नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की खास खबरों में पिथौरागढ़ के मुंगनाकोट विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज टोटानौला के छात्र निखिल पांडे का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए होने से विद्यालय सहित क्षेत्र में खुशी की लहर है। चयनित छात्र ने अपना शोध पत्र गणित प्रवक्ता डॉक्टर दीपक चंद कापड़ी के दिशा निर्देशन में तैयार किया। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विक्रम पाल, समन्वयक प्रमोद कुमार जोशी, बीओ सोनी मेहरा, जिला विज्ञान समन्वयक डॉक्टर विकास पंत, सीओ अशोक चुकरिया, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हवलदार प्रसाद सहित तमाम लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए छात्र को शुभकामनाएं दी हैं। बीते दिनों पुंछ जिले में सेना के ऊपर हुए कायराना हमले की पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ ने निंदा करते हुए घटना पर दुख व्यक्त किया है। घटना पर शहीद हुए अमरवीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और घायल हुए सैनिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए शहीदों के परिवारों को ऐसी महान क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस दौरान संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जो इस प्रकार की कायराना हरकत में शामिल हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि भारतीय सेना के मनोबल से खेलना आग में घी डालने के बराबर है और शीघ्र ही इसका हिसाब बराबर कर लिया जाएगा, जो सभी के लिए सबक होगा। गुस्साए संगठन ने कहा कि जो देश के अंदर देश विरोधी भावनाओं को रखते हैं, उनका समूह नाश भारतीय सेना द्वारा अति शीघ्र कर लिया जाएगा। अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि फिर के पुंछ इलाके पे जो भी पाक समर्पित आतंकवादी गुटों द्वारा हमारी सेना की टुकड़ी पर एक कायराना हरकत और कायराना हमला वहाँ पे किया गया था, हम उसकी निंदा करते हैं और इस हमले पर जो भी सैनिक अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल माँ त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उत्तराखंड को नशामुक्त बनाए जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत दो आरोपियों को 1 किलो 600 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। चंपावत पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस लोहाघाट क्षेत्र में एसओजी एएनटीएफ टीम द्वारा एसओजी प्रभारी मनीष खत्री की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान बलाई जाने वाले रास्ते पर आरोपी सलीम उम्र 40 वर्ष निवासी नई बस्ती टनकपुर व जाकिर हुसैन उम्र 40 वर्ष निवासी लाल इमली पड़ाव टनकपुर की चेकिंग करने पर आरोपी के कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो टैक्सी ड्राइवरों की सब्जी में ड्राइवरी का काम पर्वतीय क्षेत्रों में करते हैं। टैक्सी ड्राइवर का काम करते करते चरस तस्करों के संपर्क में आकर छोटी छोटी मात्रा में चरस ले जाकर मैदानी इलाकों में बेचकर मुनाफा कमाने लगे। लालच में आकर उन्होंने चरस का कारोबार ही करना शुरू कर दिया। एक नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी युवती सहित दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार मंगलौर निवासी एक व्यक्ति ने थाने में उसकी नाबालिग पुत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की तहरीर पर आईपीसी की धारा 376, 342 और 506 अधिनियम और एसटीएससी में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी हरिद्वार के आदेशानुसार दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ उप निरीक्षक धर्मेंद्र राठी के नेतृत्व में संभावित स्थानों पर लगातार दबिश देकर पीरपुरा से मुख्य आरोपी मोहम्मद ईसा व उसकी साथी युवती को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है।
कुछ विभागीय अधिकारी समस्याओं का समाधान करने के बजाय समस्या खड़ी कर रहे हैं। इस तरह के अधिकारियों को चिन्हित करने व इस तरह के अधिकारियों के मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। यह बात आज भाजपा वरिष्ठ नेता व डीढ़ियाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान अपने त्रिलुंगरी स्थित आवास में कही। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारियों पर भी लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो विशेषकर मैं उत्तराखंड के जो पर्वतीय जनपद है, पर्वतीय जनपदों का जो विकास है सड़कों पर निर्भर है। सड़कों को लेकर ही मेरे सामने कुछ समस्या आ रही कि जो भी सड़कें बनी थी पहले 1980 के आसपास, 90 के आसपास, उस समय जो पहाड़ के जो सड़कें कटी थी उनमें मशीनें नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर लेबरों से, घन से, सबल से, छीनी से सड़क का जो हार्ड रॉक थे उसको काट के सड़क का निर्माण करते थे। लेकिन उस समय सड़कें पूरी जो उनके DPR बनी होती थी, उस समय के जो इस्टीमेट बने थे 6 मीटर सड़क की चौड़ाई और जो मोड़ है उसमें 7 मीटर की जो सड़क का ये मानक थी, उस हिसाब से न कट के जो हार्ड रॉक थे उन स्थानों पर कहीं 50 मीटर, कहीं 100 मीटर, कहीं 20 मीटर के ऐसे डिफेक्ट कटिंग छोड़ के और उनको ठेकेदार का भी फाइनल कर दिया। अब वहाँ पर आज तक रोटा क्या है, वहाँ पर मात्र 3.5 और 4 मीटर ऐसे जगह पर आए दिन जो होते हैं सड़क दुर्घटना होती है। उस दुर्घटना बचने के लिए मैंने सोचा कि इन सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को 10-10 काम के प्रस्ताव मांगे थे। उन्होंने कहा कि आप अपनी प्राथमिकता दें और इन सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा 5 साल के अंदर पानी के लिए। तो मैंने भी सड़कों का दे दिया, जो हमारे यहाँ की जो सड़कें थी उन सड़कों को डिफेक्ट पात्र के डिफेक्ट कटिंग के लिए और जो मोड़ है मोड़ों में जो जहाँ पर 6 मीटर है 7 मीटर, जहाँ पर 4 मीटर सड़क की चौड़ाई है वहाँ पर 6 मीटर का उसका प्रस्ताव बनाकर मैंने विभाग से कहा कि इनका प्रस्ताव बनाकर भेज। लेकिन विभाग ने प्रस्ताव बना के क्या भेज दिया कि विभाग ने कह दिया कि ये जो सड़क है ये 4 मीटर की जरूर है, 3.5 के जो 2 मीटर सड़क जो कटते हैं ये वन भूमि के जो है प्रस्ताव बनाने पड़ेंगे, भारत सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कहीं बांस के पेड़ आ रहे हैं, कोई आर्थिक पेड़ आ रहे हैं। ये उसने मेरे से प्रश्न किया। उसके बाद मैंने कहा कि भाई आप जो सड़क के किनारे जितने भी आबादी वाले वहाँ पर तो 10-10 मीटर में आप चिन्हित कर रहे हैं, उनको नोटिस जारी कर रहे हैं और हमें 6 मीटर सड़क बनाने के लिए आप वन भूमि की बात कर रहे हैं, ये क्या नियम है? नियम तो सबके लिए एक समान होना चाहिए, प्रदेश में लागू सब कानून एक के लिए है, सबके बराबर है, नियम भी सबके लागू होना चाहिए। ये मैंने विभाग वालों ने उसको जो प्रस्ताव बनाने से मना कर दिया। तो उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी इसका तत्काल जो समाधान का है, पहाड़ की जितनी भी हमारी सड़कें जहाँ पर डिफेक्ट वाली सड़कें हैं उन सड़कों के चौड़ीकरण के लिए एक सरकार की ओर से निर्देश किया जाए कि इन सड़कों को चौड़ीकरण किया जाए क्योंकि पूर्व में ये PEWD ने 7 मीटर 6 मीटर सड़क उनके पास है PEWD का। तो PEWD वाला से जब ये बात देखते PEWD वालों का उनका ये कहना है कि जो 1980 से पहले की सड़क बनी, मैंने कहा ठीक है 1980 से पहले की बनी है, 1980 में वन अधिनियम लागू हुआ था तो उसमें आपके 6 मीटर तो रोड आपके पास है, हम आपकी रोड में ही उसमें जो है रोड जो कटिंग आपने प्रस्ताव भेजा था वो जो आपने स्वीकृति ली है वन भूमि से नहीं लिखी है, जो भूमि राजस्व विभाग से जो भूमि है वो आपके उसमें है PEWD के पास है, तभी तो आप नोटिस दे रहे हैं, आपके पास जो जाहिर तो नोटिस कहाँ से देते हैं। तो इस विषय को लेकर मैंने तब जो अधिकारी है या अधिकारियों की मानस जो है समस्या का समाधान न करके समस्याओं को खड़ी करते हैं, समस्या का ये पूरे अधिकारियों की एक मानसिकता बनी हुई है। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए, उनके मन में यह है कि क्या जो कर देंगे तुम क्या करोगे, ट्रांसफर ही तो करोगे, ट्रांसफर करने का कोई समाधान नहीं होता किसी अधिकारी का। हम तो अधिकारी से काम कराना चाहते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, सरकार है, जनता की सरकार है, तो समस्या खड़ी करने के लिए समस्याओं का समाधान के लिए है, आप भी समस्याओं के लिए समाधान के लिए खड़े हुए। लेकिन ऐसे अधिकारियों को इस प्रकार का यदि व्यवहार रहा बढ़ता रहा तो ऐसे मामलों को जो अधिकारी टेलीफोन का भी रिप्लाई नहीं करते हैं और ऐसे अधिकारियों को हम विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे। विशेषाधिकार को इनको जानकारी नहीं है अधिकारियों को, जब ये कटघरे में खड़े होंगे विधानसभा के तब पता चलेगा कि अधिकारियों में किसी भी समस्या को लटकाना, किसी भी जनप्रतिनिधि का चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जो भी वहाँ पर यदि टेलीफोन आ जाता है उसका रिप्लाई आना जरूरी है, रिप्लाई देना जरूरी है, ये तब पता चलेगा अधिकारियों का, अभी तक पता ही नहीं अधिकारी। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।